आस्था से काम करते हैं। हम एनडीए गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है, मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूंगा। सुशील कुशवाहा जी से मैं बात क्या हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं बात कर, रोज हमारी बात है। सर तो चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे? चिराग जी से बात, हम चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा, हमसे बात करेगा। ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की जो लड़ाई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो सड़क पर आ गई है और चाचा भतीजे को लेकर बड़े बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान ने हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतरे, नामांकन किया, उसमें चाचा नहीं पहुंचते हैं, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के बीच की जो लड़ाई है इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती है। और उसके बाद आज चाचा चिराग पासवान को लेकर कई ऐसे खुलासे किए जिसके बाद ये लड़ाई और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान पर पशुपति पारस, किस तरीके से बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, आप इस वीडियो में सुनिए। हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है और हम लोग आज से नहीं लगभग 47 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे और हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहां रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम एनडीए गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है, मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूँगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी का पूरी कोशिश रहेगा कि हम बिहार में 40 में 40 सीट जिताने के प्रयास करेंगे। आज जो मैं रोज एनडीए के उम्मीदवार से मैं बात करता हूँ, आज भी मैं ललन बाबू से बात किया हूँ, मुंगेर गिरिराज सिंह से मैं बात किया हूँ, सुशील कुशवाहा जी से मैं बात किया हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं बात कर, रोज हमारी बात है। सर तो चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे? चिराग जी से बात, हम चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा, हमसे बात करेगा। सर 40 नहीं, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता है उसको पानी पिलाने के लिए। तो सर मोदी जी के लिए तो आप जा सकते हैं ना चिराग के साथ? मैं तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊँगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा कि आपको 20 वो है। वो क्या कहे नहीं कि उनसे पूछिए, नहीं हमको निमंत्रण नहीं मिला। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ, पार्टी कार्यालय के मैं रहता हूँ इसी में। चिराग पासवान जी रोज दो बार आते और जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि वो चाचा से आशीर्वाद चाहिए, तो फिजिकली आकर के हम आशीर्वाद लेते और कहते चले चिराग। उनका कहना है कि 20 कॉल किया, लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया तो उनके कहने से क्या होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है जी, वो तो उम्मीदवार हैं, इस होकर आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी, आगे कहते ना कि चाचा चलिए जा नामांकन में चलिए। इसलिए ये सब देखिए, ये सब न्यूज़ जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज है, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब प्रचार मुलायम साहब जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँगा। चलिए और प्रधानमंत्री जी, हाँ प्रधानमंत्री जी, जी हाँ। तो सुना आपने कि किस तरीके से पशुपति पारस का कहना है कि एनडीए के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनका प्रचार करने के लिए पशुपति पारस और प्रिंस राज पहुंच रहे हैं, लेकिन जब मीडिया ने उनसे पूछा कि चिराग पासवान में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है कि चिराग पासवान आपको लगातार 20 बार फोन किए लेकिन आप फोन तक रिसीव नहीं किए, उसके बाद पशुपति पारस कहते हैं कि चिराग पासवान एक बार भी फोन नहीं किए हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर चिराग पासवान को मेरा आशीर्वाद चाहिए तो चिराग पासवान दिन भर में यहां से एयरपोर्ट पर दो बार जाते हैं, मेरे आवास के सामने से जाते हैं, एक बार भी वो मेरे से मिलने नहीं आए, मेरा आशीर्वाद लेने नहीं आए। वैसे में आप कैसे चिराग पासवान पर भरोसा कर सकते हैं, यानी कि चाचा भतीजे की जो लड़ाई है एक बार फिर से सड़कों पर आई हुई है और अब
चाचा कह रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, तो वहीं पर चिराग पासवान की ओर से खुलासा किया गया था कि चाचा को लगातार फोन करते रह गए लेकिन चाचा हाजीपुर नामांकन में नहीं पहुंचते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये लड़ाई कहां जाकर थमती है या इसका फायदा कोई और गठबंधन यानी कि महागठबंधन जो है वो उठा के लेके चली जाएगी और चाचा और चिराग पासवान की ये जो दूरी लगातार बढ़ती जा रही है उसे पीएम मोदी कम कर पाते हैं या नहीं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।